कोई मतलब नहीं है ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से। मैंने कई बार आपको बताया कि फ्रेश फ्रूट जब मार्केट में आए उसका आप जूस इस्तेमाल किया करें। ग्रेप्स का जूस, रेड अंगूर का जूस किस तरीके से तैयार होता है, मार्केट में अंगूर कई किस्म का आता है, सुंदरखानी अंगूर, गोला अंगूर, रेड अंगूर। रेड अंगूर से पहले ये आता है, ये फुल रेड नहीं होता। इस जूस की रेसिपी देने लगा हूं, इसके अंदर अल्लाह ताला ने विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, तमाम विटामिन इसके अंदर रख दिए हैं। कमाल का इसका टेस्ट होगा, आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन आप तैयार किस तरीके से करेंगे, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, तवज्जो से देखिएगा। अच्छे तरीके से अंगूरों को हमने वॉश कर लिया और इस तरीके से टहनी से अलग करने लगे हैं। हमारे पास आधा किलो अंगूर मैं मार्केट से लेके आया था, लेकिन हम एक पाव का फार्मूला आपको बताएंगे, डेढ़ लीटर का मेरे पास जा गया है। जब भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, ये बात आपके जहन में रहे कि जो खवातीन खवातीन के पास घरेलू जूसर मशीन है वो एक लीटर का जग होता है। मैं ये जो फार्मूला बता रहा हूँ ये डेढ़ लीटर का है, ठीक हो गया। ये टहनियों से अंगूर अलग कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अंगूर हमने इस तरीके से अलग कर लिए टहनी से, एक पाव इस तरीके ये जूसर का जग ले लिया, इसके अंदर शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, कितना ये मैं आपको बता देता हूँ, डेढ़ गिलास पानी का इसके अंदर शामिल करेंगे, डेढ़ लीटर का फार्मूला, ठीक हो गया। ये एक गिलास और ये साथ में आधा गिलास शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे शुगर, 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। काला नमक इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, वाइट नमक 1/4 टीस्पून, ये थोड़ा सा है, ये देखें इस तरीके से। शहद शामिल करेंगे, ये 1 और ये 2 टेबलस्पून हनी, जिसे आप लोग कहते हैं, मैं तो होया पापा, मैं तो शहद कहना होया, शामिल कर देंगे। शहद डालने के बाद लेमन जूस 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे 2.5 से 3 मिनट, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, यहां पे ले आए, आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है ताकि अच्छे तरीके से कुदरती तौर पे जो कलर इसके अंदर है, अगर आप सही ग्राइंड करेंगे तो कलर आएगा, ये बात आपके जहन में रहे। इसके साथ का एक हम बॉल ले लेंगे, स्टेरर ले लेंगे, इसको हम छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ रहे ना मजे, इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे ताकि इसके ऊपर से छिलका वगैरह या गुठली वगैरह जो चीज भी है वो हमें स्ट्रेनर में चाहिए। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेनर से छान लिया, इसको साइड पे कर देंगे। इतना प्यारा जबरदस्त ग्रेप्स का जूस तैयार हो चुका है, सर्विंग के लिए गिलास ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर बर्फ डाल देंगे, जिसको आप लोग आइस क्यूब कहते हैं, मेरे पास कटोरे वाली बर्फ होती है, गल समझ आ रही है, ठंडा ये ज्यादा होगा ड्रिंक तो अच्छा लगेगा, ये बात भी आपके जहन में रहेगी। बर्फ डालने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ रहे ना मजे, सुभान अल्लाह, ये ले जी, ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
ग्रेप्स यानी कि अंगूर का जूस किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। अगर आपने डिश आउट करना हो इस तरीके से आप ट्रे लें, इस तरीके से रखेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। साथ में आप स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से, हैं दिल वाले स्ट्रा, रेड ग्रेप्स रेड स्ट्रा इस तरीके से रख देंगे साथ, कोई बात नहीं। अगर आपको हमारी ये ग्रेप्स के जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।